सुर्खी विधानसभा के उपचुनाव में बीजेपी के गोविंद सिंह राजपूत का कड़ा मुकाबला कांग्रेस की पारुल साहू से है। इस बीच प्रचार के दौरान मंत्री गोपाल भार्गव के बेटे अभिषेक मंच से कहते नजर आए कि मंत्री के यहां पैसा बरसता है। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार पारुल साहू ने कहा कि बार बार आइटम बोल के बीजेपी उस महिला का अपमान कर रही है। चुनावी गर्मी से सुर्खी विधानसभा का इलाका इस समय राजनीतिक सुर्खियों में है। सुर्खी में कांग्रेस की पारुल साहू बीजेपी के गोविंद राजपूत को कड़ी टक्कर दे रही हैं। ये दोनों नेता एक बार फिर आमने सामने हैं। पारुल साहू ने बीजेपी में रहते कांग्रेस के गोविंद राजपूत को शिकस्त दी थी। इस बार चेहरे वही हैं, पार्टियां बदल गई हैं। पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव के बेटे बीजेपी के युवा नेता अभिषेक भार्गव भी गोविंद सिंह राजपूत के लिए प्रचार कर रहे हैं। अभिषेक के भाषण का एक हिस्सा इन दिनों खूब चर्चा में है, जिसमें वे कह रहे हैं मंत्री के यहाँ पैसा बरसता है, लालच में कोई नहीं बिकता। लेकिन दूसरी तरफ हमारे ऐसे नेता हैं स्वार्थी, जिन्हें पिछले विधानसभा में टिकट नहीं मिला भारतीय जनता पार्टी का, तो 1.5 साल आपको अपनी विधानसभा में नजर नहीं आए। बताओ नजर आए हो तो बताओ। अब फिर स्वार्थ आ गया, फिर चुनाव आ गया, तो जनता के बीच में आकर हाथ जोड़ने का और पांव पड़ने का काम शुरू कर दिया। यह आप लोगों को तय करना है, सब कुछ दिख रहा। अरे आदमी सरपंच ही नहीं छोड़े, विधायक की और मंत्री तो बहुत बड़ी बात है। कहू के लालच में, पैसों दिलों के लालच में भी आकर नहीं छोड़ सका आदमी। जे पैसों की बात है गलत, इतने पैसा ले लाए उतने पैसा ले लाए। अरे भैया मंत्री के घर में पैसा बरसत है, समझे समझे। पत्रकार बंधु बैठे हैं, आवाज आ रही उनकी, कह गए कह गए। मंत्री के घर में पैसा बरसत है, और जो उनको तय करने हैं कि वो अपना बरसत पैसा भरने हैं तो बांट देने। इसीलिए जो ये लोग कहते हैं कि उनने पैसा लेकर पार्टी बदली, तो मैं उनको यही कहना चाहता हूं कि जो बाप तुम्हारे मन को आए, जब तुम शब्दों में निकाल रहे कि हमें काय नहीं मिले, मैं तो दावे के साथ कह सकता हूं कांग्रेस पार्टी के आदरणीय कमलनाथ जी के लिए कि आप पैसों की दम पे भारतीय जनता पार्टी का एक विधायक खरीद के दिखा दीजिए। चुनावी घमासान में कांग्रेस उम्मीदवार पारुल साहू खुद को लेकर आश्वस्त नजर आ रही हैं। चुनावी प्रचार के दौरान पारुल साहू कहीं सब्जी खरीदती नजर आती हैं, तो कभी मंगौड़े खाते हुए। आइटम शब्द पर पारुल साहू ने कहा, बीजेपी बार बार आइटम शब्द का हर मंच पर प्रयोग कर उस महिला का अपमान करने का काम कर रही है, जबकि कमलनाथ जी उस बात को लेकर खेद प्रकट कर चुके हैं। मैं तो ये कहूंगी भाई, जो चीज बोली उनने माफी भी मांगी इस बात की, लेकिन बीजेपी उसको ही और उस महिला का अपमान कर रहे हैं उसी शब्द का बार बार उपयोग करके। ये बड़ी दुखद बात है कि जिस शब्द के लिए आप कह रहे हैं कि अपमान हुआ है, मैं कहती हूँ ठीक है, लेकिन कमलनाथ जी ने उस पर माफी भी मांगी कि अगर गलती से कुछ शब्द गलत निकला है तो उन्होंने उस चीज की माफी मांगी। सबसे बड़ी चीज है माफी मांगना। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।